बातों में अपने मौसमों को कभी नहीं भूलते, और खास तौर पे वो लोग जो किसी न किसी तरीके से किसी एक खास मकसद के लिए अपनी जिंदगी को बसर करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसका निजाना भी। राज साहब, हम सब इस जगह पर इस बात के लिए मौजूद हैं कि उस बड़ी कुर्बानी के लिए जो इज्जत महाम बिशप जॉन जोसेफ ने अपने मकसद को आगे बढ़ाते हुए अपने कौम और मुल्क के लिए की, उसको याद कर सके, उसका शुक्रिया अदा कर सके। हर एक अहम वाकया जो है वो इस बात की याद दहानी कराता है कि उस तक पहुंचने के लिए कौन से ऐसे मुहरकात हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने वो कदम उठाने के लिए किसी शख्स को बंद कर दिया। और इस दौरान बिशप साहब की उस सारी खिदमत के लिए, और उस वक्त खास वो एक वाकया था जिसके लिए वो जस्तजू कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और बहुत सारी ऐसी कौमी खिदमात हैं जिनको सर अंजाम दिया है, उन सबको हम कभी भूल नहीं सकते। चंद एक बातें बयान करना चाहता हूं कि जो इंसानियत है और इंसानियत की खिदमत है ये हर वक्त इंसान की अपनी तरफ से नहीं होती, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक नेमत होती है, और खुदा की तरफ से इसलिए नेमत होती है कि खुदा जो मखलूक का पैदा करने वाला है उसको संभालने वाला भी है, और उसकी मोहब्बत जो है वो सबकी है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा अपने सूरज को देखो बाद दोनों पर चमकाता है, अपने मी को वो हर एक पे बरसाता है, उसकी मोहब्बत जो है वो इलाही मोहब्बत है, और जो खुदा से मोहब्बत करता है खुदा अपनी मोहब्बत उसके अंदर डालता है। खुदा यीशु मसीह के पास एक शरा का आलम आया, बहुत बड़ा वकील आया, कहने लगा क्या बताएं कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, और यीशु मसीह ने फरमाया कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदा ने अपने खुदा से मोहब्बत कर, पहला और बड़ा हुक्म यह है, और दूसरा इसके बाद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर, और ये भी एक मोहब्बत का इजहार है कि कोई काम यहां पर्ची के बगैर नहीं चलता, और मुझे इस बात का इल्म है और मैं उसको उसी में महदूद रखूंगा। लेकिन इस सारे वाकया के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस वाकया में तब्दीली लाने की जरूरत नहीं है, उस सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है जो उस वाकया की तरफ आपको ले जाता है। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जरूरत नहीं, सोच में तब्दीली की जरूरत, सोच की तब्दीली का घरों में तब्दीली होगी और स्कूलों और कॉलेज यहां इल्म जो है परवेश पाता है। घर में अगर हम मनफी बातें करेंगे बाहर भी मनफी बातें करेंगे, तो मैं ये पहली चीज सोचता हूं कि आज हम उनकी याद बना रहे हैं जिन्होंने उन सारे कवानीन और उन बातों के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा कि वो तब्दील हो जाए, कुछ हो गई कुछ होंगी, लेकिन वी हैव टू चेंज द थिंकिंग। दूसरी बात रवैयों में तब्दीली की जरूरत है, और तीसरी बात जो है इज्तमाही सोच की जरूरत है, और चौथी बात यह है जो नहीं सोचनी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे करने से क्या होगा, ये तो दूसरे लोगों का फर्ज है। रिमेंबर वन पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड, जितनी चीजें ईजाद हुई है ना वो एक ही बंदे ने की है, उसके बाद लोग उनके साथ शामिल होंगे, अपना रोल अदा करने की जरूरत है। सो आज उनको खुराज तहसील करने का बेहतरीन तरीका यह कि वो लगे लोगों के लिए मोहब्बत, खुदा के साथ जो मोहब्बत है, और मुसलसल उसको आगे ले जाने की जरूरत है। सो मेरी दुआ है कि हम सोचेंगे और इस काम को करने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं
कि किसी जगह पर आग लग गई और एक चिड़िया पानी में चोंच में पानी लेके जा रही थी, बिठा रही थी। लोगों ने कहा आग भी नहीं बुझेगी तो भी जल जाएगी। उसने कहा आग बुझे ना बुझे, जब इसका जिक्र होगा मेरा भी जिक्र होगा, लेकिन जो मेरा काम है मैं तो उसको करते चले जाऊँ। एज ए पाकिस्तानी वी मस्ट कंटिन्यू टू डू व्हाट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ उसको करते रहे। और यही बिशप जोसेफ पोखरा जी का सीख करने का तरीका है कि उस मुहिम को करते चले जाए, ये ना सोचे कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप खुदा के साथ मिलकर बहुत बड़ी हुकूमत है। थैंक यू। अब हमें अपने अगले स्पीकर, इस पैनल के अगले स्पीकर फादर जेम्स चनन साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। फादर जेम्स चनन जो हैं इंटर रिलीजियस डायलॉग के हवाले से इनका बड़ा नाम है, पीस सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इंटरफेथ हार्मनी और इंटर रिलीजियस डायलॉग के हवाले से इंटरनेशनली नोन कैथोलिक प्रीस्ट हैं, लाहौर डायोसिस से इनका ताल्लुक है। तो मेरी दरख्वास्त होगी फादर जी से। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पीटर जेकब साहब को और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस पोखरा जी का पेश करता हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ी शख्सियत बिशप जॉन जोसेफ के सिलसिले में आज आपको उनकी 24वीं बरसी है, ये प्रोग्राम ये सेमिनार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकार किया है। बिशप जॉन जोसेफ के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि बिशप जॉन जोसेफ मेरे पुष्पर से हैं और मैं भी पुष्पर से हूँ और बिशप जॉन जोसेफ और मेरे वाले क्लास कर रहे हैं और मेरे वाले बहुत दफ़ा बिशप जॉन जोसेफ की बातें मुझे बताया करते थे और उन दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल था। बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि उन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। पाकिस्तानी क्रिसिया के लिए, पंजाबी क्रिसिया के लिए बड़े फख्र की बात है कि बिशप जॉन जोसेफ पहले पंजाबी बिशप थे और वो फैसलाबाद के जुबान आला थे और बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत जो है वो हर जगह पर जानी पहचानी जाती थी और मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ और मुझे कहते थे आप मुझे चाचा कहा करें क्योंकि आपके अबू मुझसे बड़े थे तो इसलिए मुझे आपसे बहुत प्यार है और इसी तरह से उन्होंने मुझे ना सिर्फ चाचा के बल्कि बाप जैसी शख्सियत है मुझे दी और प्राइवेटिंग सम्मेलन में वो मेरे प्रोफेसर थे। तो मद्दे नजरात इस किस्म की शख्सियात हैं वो किसी मुल्क का बहुत सरमाया होती है और खासतौर पर पाकिस्तान में रहते हुए बिशप जॉन जोसेफ की खिदमात को और उनकी जो कायदाना सलाहियत है हम उसको कभी भी नहीं भूल सकते और वो हमारे चर्च का, कैथलिक चर्च का बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। मैं यहाँ पे सिर्फ दो पहलुओं पर ज्यादा बात करना चाहूंगा। एक पहलू ये है कि पोप साहब से मिलने के लिए बिशप जॉन जोसेफ गए थे बिशप साहबान के साथ 1984 में, तो पोप साहब ने पाकिस्तानी बिशप को ये तजवीज दी कि आप पाकिस्तान में जाकर क्रिश्चियन मिशन दायरा का मिशन बनाए। तो जो ही बिशप साहबान जो है वो अद्रिमिना जो एक ऑफिशियल विजिट होती है वो उन्होंने पोप जॉन का द्वयम जो अब सेंट जॉन का द्वयम है उनकी मुलाकात के बाद जब पाकिस्तान में आए तो उन्होंने नेशनल कमीशन और क्रिश्चियन मिशन दायरा उसकी बुनियाद रखी और बिशप जॉन जोसेफ उसके पहले चेयरपर्सन थे और मैं जो रोम से 3 साल स्टडी करके आया था डिस्टिंक्शन की डिग्री लेके तो मुझे पहले पाकिस्तानी आई जो कमीशन है इसको हरफे आम में राबता कमीशन कहते हैं तो मुझे उसके सेक्रेटरी नामजद किया गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था और मैं 12 साल तक बिशप जॉन जोसेफ साहब बतौर सेक्रेटरी अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। मैंने देखा कि बिशप जॉन जोसेफ के दिल में एक जज्बा था और तड़प थी कि हमें मिलजुल के काम करना है, हमें मिलजुल के रहना है, हमें बर्दाश्त को फ़रोग देना है, हमें रवादारी को फ़रोग देना है और हम सब ने मिलकर इंसानी हकूक के लिए काम करना है और इसके लिए बहुत सारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की गई पाकिस्तान में भी और बैरून में भी। वो मुझे हमेशा कहते जेम्स आप जाओ, कभी मैं
बांग्लादेश जा रहा हूँ, कभी मैं इटली जा रहा हूँ, कभी मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, कभी हांगकांग जा रहा हूँ, कभी फिलीपींस जा रहा हूँ, कभी सिंगापुर जा रहा हूँ, तो हमेशा मिलता कि गेम्स यू गो। तो उनकी वजह से मुझे बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करने का मौका मिला, पाकिस्तान के मैगी करने का मौका मिला कि किस तरह से पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी और पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मैंने देखा कि विशेष जान रिजर्व इंटरफेथ हार्मनी के लिए हर जगह पर जाते थे और हर हद तक भी जाते थे। मैंने विशेष जान रिजर्व मिलकर अनवारुल हक के साथ जस्टिस जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवारुल हक, उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम किए। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से अब जो इंटरफेथ हार्मनी के बारे में विशेष जान रिजर्व का जो किरदार है वो रोज़ रोशन की तरह हम सब वाजे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्टफीडिंग लॉज हैं उनके गलत इस्तेमाल पर वो बहुत बड़ी आवाज़ थे। उन्हें पता था कि अक्सर जो है वो ब्रेस्टफीडिंग लॉज का गलत इस्तेमाल किया जाता है और ज़ाती अनाथ की वजह से उनको इसके तहत फंसाया जाता है। और बहुत सारी मिसालें उन दोनों तीन केसेस हुए थे, गुल मसीह के खिलाफ, रहमत मसीह के खिलाफ, सलामत मसीह के खिलाफ और मंजूर मसीह के खिलाफ और ग्रायू मसीह के खिलाफ। और यूसुफ साहब जानते थे कि ये जो मस्जिद की तौहीन का जो जो कानून है इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम मजाहब का एहतराम करते थे लेकिन उन्हें पता था कि इसके पीछे जो है वो नीयत क्या है। और सैफ लोग साहब यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारी और शख्सियात यहाँ पर बैठी हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से तौहीन मस्जिद की या ब्लैस्फेमी लॉज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। और मैं यहाँ पर गवाही देता हूँ कि ये गुल मसीह लगा रहे हैं, रहमत मसीह लगा रहे हैं, सलामत मसीह लगा रहे हैं, अयूब मसीह के किसी पर भी ये जुर्म कभी साबित नहीं हुआ। और वो सब उनको जो अदालत हैं उन्होंने उनको बाइज्जत तौर पर बरी किया कि ये तो इनोसेंट लोग हैं, इन्होंने तो कभी नहीं मदद नहीं की। तो इस वजह से उनकी जो है वो जो है वो बड़े बेचैन हो जाते थे जब तौहीन मजहब का गलत इस्तेमाल किया जाता था। और ये वही जगह है, ये फैटिस होटल डॉक्टर कमल फरोज भी हमारे साथ यहाँ पर अपने और जिसका इसी जगह पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें विशेष डॉक्टर साहब मेहमान खसूसी थे। और उनके मंजूर मसीह का जो जो है वो केस चल रहा था, रहमत मसीह का, सलामत मसीह का चल रहा था। और उन्होंने कहा कि अगर आईना किसी पर ये ब्लेसिंग लॉज का गलत इस्तेमाल होता है सबसे पहले अपना फोन होगा। और यही हुआ, जब मसीह मंजूर जब अयूब मसीह को सजाए मौत सुनाई गई तो उससे मुझे ना रहा गया और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मेरे साथियों भाइयों बहनों, आज ये मौका है कि हम बिशप जॉन जोस के मिशन को आगे बढ़ाएं, रवादारी को बढ़ाएं, इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ाएं और इंसानी हकूक के लिए काम करें। और बिशप जॉन जैसे वो बहुत सारी शख्सियात के साथ मिलकर इंसानी हकूक की बात करते थे, जिसमें आइए रहमान थे, जिसमें आसमान जहांगीर थी, जिसमें डॉक्टर मेहदी हसन थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम मिलकर जो है इंसानी हकूक के लिए काम करें, बराबरी के लिए काम करें और जहाँ तक हो सके हम तौहीन मस्जिद का जो कानून इसके गलत इस्तेमाल को रोकें और उसकी आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। मैं इनकलाब पसंद की कबीर सिंह जो हक पे डट गया उस लश्कर कलीम सिंह को मैं यही दस्तों गरीबान ही सवाने से हूँ। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। ऑनरेबल प्रोसीजर लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग, दिस इज फिरदौस मरियम जोसेफ। इट्स माई प्राइड प्रिविलेज टू स्पीक टू दिस वंडरफुल मीटिंग गैदर्ड हियर टुनाइट। It's energetic to see you all gathered here today because some of you must have cut down your very tight schedules and made it possible to be here tonight. Thank you very much. Well, Khawateen Hazar, mere daddy Augustine Joseph, Bishop John Joseph ke sabse chote bhai the. But I lost my father and mother at very early age. Mere maa baap ke na rehne ke baad Bishop John Joseph became everything for me. He meant everything for me. Mera baap, meri maa, wo meri sab kuch thi. 6th May 1998 ko
ये एहसास पहली बार हुआ कि अब मेरे माँ बाप नहीं है। वेल आई एम लिटिल टची एंड सेंसिटिव विद दिस टॉपिक। अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम एक हो जाओ, हम आवाज होकर अज़्म का उन्वान हो जाओ, और अगर तुम साथ मेरा दो तो बिशप जॉन की कसम किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। उठो मेरा यकीन मानो, समय की तुम जरूरत हो, जहां ऐसा बना डालो जहां दिल की हकूमत हो। अंधेरों को हम हुक्मरानियां करने नहीं देंगे, किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। रोशन रखेंगे बस्तियां आंखों की शमों से, जलने से पहले घर हम दिल को जला लेंगे। कोई भी शांति नगर मगर चलने नहीं देंगे, किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। चलो हाथों में ले लो हाथ, हम ये अहद बांधेंगे। पड़े जो वक्त अपनों पर तो हम अपनी जान देंगे। किसी को अब यतीमों बेयमा होने नहीं देंगे, किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। कसम ले लें कभी अब खून की होली नहीं होगी, किसी की जान ले, कसम ले ले कभी अब खून की होली नहीं होगी, किसी की जान ले ऐसी कोई गोली नहीं होगी। किसी बार उनको मनमानियां करने नहीं देंगे, किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। चला मक्तल को ऐसी शान से तुमको सिखा गया, मोहब्बत में जो जाए जान भी तो वफा ही दो। फरिश्ते कर रहे हैं फलक पर मर्सियां खाली, मगर तुम पे ये लाजिम है शहादत की गवाही दो। ये अंधे बहरे का लोन हम चलने नहीं देंगे, किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। मगर ये सिर्फ मुमकिन है, मगर ये सिर्फ मुमकिन है अगर तुम एक हो जाओ, हम आवाज होकर अज़्म का उन्वान हो जाओ। अगर तुम साथ मेरा दो तो बिशप जॉन की कसम किसी भी और बिशप जॉन को मरने नहीं देंगे। आज इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आधे मिनट की एक बात कहना चाहूँगी। बीइंग द रियल ब्लड ऑफ बिशप जॉन जोसेफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आज भी मेरा वही मुतालबा है जो बिशप जॉन जोसेफ का मुतालबा था। खुदाया मसीहियों के सर पर लटकती हुई इस 295C की तलवार को जल्द से जल्द हटाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपनी बात को शुरू करूंगी डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से। मेरे तमाम लीडर्स जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है उनकी इजाजत से मैं आज की बात की का आगाज करना चाहूंगी। बिशप जॉन जोसेफ एक बहुत ही मजबूत इंसान थे, और वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो अपने बुजुर्गों को अपने लीडर्स को याद रखती हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं सबसे पहले तो पीटर जेकब को और उनकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने आज की इस तकरीब का इनकार किया। वो एक बहुत अजीम शख्स थे। मेरी उनसे पहली मुलाकात कराची में हुई जब मैं कराची वाली पी सी ए की जनरल सेक्रेटरी थी, और वो उस वक्त क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में लेने आए थे पढ़ाने के लिए। और उनके सेमिनरी में हम अक्सर जाया करते थे और सेमिनार्स वगैरह अटेंड भी करते थे और किया भी करते थे। उसके बाद 84 में ही वॉज द फर्स्ट पंजाबी बिशप जो रोमन कैथलिक चर्च में उनकी तैनाती है एज ए बिशप फैसलाबाद डायसिस में हुई। और जब मैं भी लाहौर आई 91 में तो उस वक्त बिशप साहब फैसलाबाद के बिशप थे, और मैंने वो एक ऐसी शख्सियत ले पाई कि मजहबी रहनुमा होते हुए ही वॉज अ बिशप, उनकी अपनी एक बिशप की अपनी
मलेरिया भी होती हैं डायसिस के हवाले से, लेकिन ही वॉज अ नेशनल लीडर और वो पॉलिटिकल और नेशनल इश्यूज के ऊपर हमेशा सोच विचार भी करते थे, अपना रद्द अमल भी देते थे, अपना ओपिनियन भी देते थे और उसके लिए जंग भी लड़ते थे, फाइट भी करते थे। मैं लाहौर में थी और लाहौर में जितने भी हमारे नेशनल इश्यूज थे, आईडी कार्ड का इश्यू जब आया तो उसके ऊपर भी वो सबसे आगे पहली फेरिस्तों में उनका नाम था और हम उनके साथ माल रोड के ऊपर जो थे एहतजाज किया करते थे, रैलीस निकाला करते थे। उसके बाद आईडी कार्ड का भी मामला, फिर सेपरेट इलेक्ट्रेट और जॉइंट इलेक्ट्रेट का जब मामला हुआ उसमें भी बिशप साहब बहुत हमेशा पेश रहे और उनकी शहादत जो 6 मई को जब हमें ये खबर मिली तो ऐसे लगा जैसे एक रोशन सितारा जो है वो गुम हो गया। लेकिन उनकी शहादत, मैं उनके जनाजे में शामिल थी, फैसलाबाद में गई खुशपुर में, और क्या अजीम शान उनका जनाजा था, जिस सिस्टियों के साथ लोगों ने उनको सुपुर्द खाक किया वो मैं उसकी चश्मदीद को वहाँ हूँ। और मैं आज आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहती हूँ, बिशप साहब बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी जान का नजराना दिया और इसलिए दिया कि हम जो पीछे रहते हैं हम उनके कश्मे कदम पर चलें। उन्होंने ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर, उन्होंने ब्लास्फेमी केसेस के विक्टिम्स के लिए जद्दोजहद की और उन्होंने दिलदाश्ता होकर अपना एक जान का नजराना पेश किया। तो मैं समझती हूँ कि अब हम पे जो हम रह गए हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि हम उस मिशन को, जिस मिशन को वो लेकर चले थे, उस मिशन को हम पाया कतनी तक पहुँचाएं। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, हुकूमतें करना चाहेंगी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। ये एक ऐसी तलवार है जो हमारे ऊपर हमेशा मंडलाती रहती है और इसमें सिर्फ मसीही लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते बल्कि इसमें हमारे मुसलमान भाई बहन जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें उनकी इस जद्दोजहद को जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की फील्ड में की, उन्होंने ब्लास्फेमी लॉज के लिए की और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, आज हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं और आज हम अदा करें कि हम भी उस उनके नक्शे कदम पर चलें। लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है, अशर जॉन जो है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस वीलॉग्स करते हैं और हमेशा हमारी ज़मीन को झंझोड़ते रहते हैं। हमें इसके लिए और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और खुदा करेगा कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, नामुमकिन नहीं। मैं एक बार फिर अपने बुजुर्ग बिशप जॉन जोसेफ की खिदमत में खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनको सलाम पेश करती हूँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और हम सबको तफीक दे कि हम उनकी जो हमारे लिए जो एग्जाम्पल्स छोड़ करते हैं उसको हम फॉलो करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर फ्रेंड्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर टुडे इन रिमेम्बरेंस ऑफ सच अ ग्रेट सोल हु गेव अप हिज लाइफ फॉर अ ब्यूटिफुल कॉज। बिहोल्ड द कैंडल, how it gives its light. It weaves its life drop by drop to give its flame of light. I think we should all be like a candle and we should all think of each other and the love which we have in our hearts for humanity. I'm again grateful to be present in such a gathering where we are talking of sacrifice, and we know what sacrifice means: to get a better thing, to give up a smaller thing to gain a better thing. And I think what Father Joseph did, he gave up this earthly life to give this freedom to the people who are over here, and we should respect each other's religions, we should love each other because this is humanity. God is one,
and God has given us this thought, this mind to love each other. Thank you so much.